Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great. ई एन जी फाइव जीरो सिक्स का लेसन टेन हम आज डिस्कस करेंगे इस बुक के वर्ल्ड इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं बट मिड टर्म के कुछ ऐसे लेक्चर्स है जिनमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था मुझे आइडिया नहीं था कि स्टूडेंट जो ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं इस वजह से कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं मिड टर्म के जस्ट कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जिन्हें मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ विद डिटेल एक्सप्लेशन तो आप लोग इन्हें लास्ट में वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके ठीक है सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग बाकी फाइनल टर्म के लेक्चर्स जो है वो ऐसे नहीं है आप उन्हें वॉच करेंगे तो आप लोगों को इजीली हर चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी जस्ट मिड टर्म के कुछ लेक्चर्स थे इस वजह से उन्हें दोबारा से अपलोड किया जा रहा है ठीक है टॉपिक फिफ्टी फाइव है जिसमें बताया गया मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश पहले तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश की बात की गई है कि क्लासिफिकेशन एंड मॉडल्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द वे इंग्लिश इज़ यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़ अच्छा जी इसमें इस, इस टॉपिक में डिस्कस क्या किया जा रहा है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन और मॉडल्स के बारे में जो एक्सप्लेन करता है वेरिएशन को कि कैसे इंग्लिश जो वो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एरियाज़ में जो वो इस्तेमाल की जाती है ठीक है उसके अलावा द मोस्ट कॉमन क्लासीफिकेशन में कौन सी क्लासीफिकेशन है ई एन यानी कि इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज जिन कंट्रीज़ में जिन एरियाज़ में इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज के तौर पर मदर टंग के तौर पर जो वो यूज़ की जाती है ठीक है उसके बाद इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज वो लोग जो अपनी मदर टंग के बाद इंग्लिश को लर्न करते हैं वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज है वो, वो यूज़ करते हैं उसके बाद इंग्लिश एज अ फॉरन लैंग्वेज ठीक है वो कंट्रीज जो इंग्लिश को ज्यादा वाइडली यूज़ नहीं करती जस्ट फॉर सम जो है वो इसको यूज़ करते हैं इस वजह से उसको हम Uh, उन कंट्रीज़ में इंग्लिश को हम इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज कंसीडर करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की एग्जांपल लें ठीक है तो चाइना जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली यूज़ नहीं करता जस्ट फॉर सम पर्पस जो है वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं ठीक है उसके अलावा हमारे पास यहां पर कुछ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आ जाता है शॉर्ट कमिंग्स बेसिकली हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कहते हैं ठीक है जो हमें हो जाती हैं अब यहां पर उन्होंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज्ड बाय द टर्म नेटिव लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज की वजह से पैदा होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स कौन कौन सी हैं के बारे में बताना है ठीक है उसके अलावा ये डिस्कस करेगा कुछ लिमिटेशन ठीक है कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई एन एल ई एस एल और ई एफ एल की ठीक है और उसके अलावा इसकी सुपीरियरिटी को बताएगा ठीक है अब मिसअंडरस्टैंडिंग में वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अवेयर नहीं होते कन्फ्यूज होते हैं कि नेटिव लैंग्वेज का मतलब बेसिकली है क्या ठीक है कुछ जो हैं वो इसको एक स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं ठीक है? तमाम लोगों के थ्रू बोली जाने वाली लैंग्वेज उसके अलावा इस कंसीडर्ड सुपीरियर ठीक है इसको सुपीरियर भी कंसिडर करते हैं और उसके अलावा रिप्रजेंट अ गुड मॉडल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर इन अदर कंट्रीज ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं ठीक है तो अगर एक इंग्लिश स्पीकर है ठीक है तो उसको उसके लिए एक तरह से ये गुड मॉडल जो है वो रिप्रजेंट करता है उसके अलावा मज़ीद जो कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनमें बताया गया कि इन एडिक्वेसी ऑफ़ द ई एफ एल क्लासीफिकेशन इसका क्या मतलब है इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि ई एफ एल क्लासीफिकेशन की इनएडिक्सी जो है वो डिस्कस करता है यानी कि पॉइंट आउट करता है कि ई एफ एल जो है वो इफेक्टिवली डिस्क्राइब नहीं कर सकता इंग्लिश का यूज़ उन रीजन में ख़ास पर जो कि आप कह सकते हैं अर्बन वर्सेस रूरल कॉन्टेक्स्ट जो होता है फॉर एग्जांपल अगर हम देहाती इलाकों में जाएँ ठीक है तो वहाँ पर फर्स्ट uh, लैंग्वेज के बाद वो इंग्लिश को एज़ अ सेकेंड लैंग्वेज सीख सकते हैं बट फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इसको कंसीडर करना उनके लिए एक टफ टास्क होता है और मोस्टली वो इसको कंसीडर नहीं करते ठीक है उसके अलावा आल्टरनेटिव मॉडल्स आ जाता है इसमें वो दूसरे तरीके बताते हैं अदर वेज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंग्लिश के यूज़ को कैटेगराइज़ करता है ठीक है जिसमें क्या क्या शामिल है जिसमें हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशन है रीजनल वराइटीज़ हैं इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, जियोग्राफिकल लोकेशनस में क्या बताना चाह रहे हैं कि कहाँ से इंग्लिश जो है वो ओरिजिनेट हुई है कहाँ पर बोली जाती थी फॉर एक्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश के साथ इसका लिंक है ब्रिटिश इंग्लिश के साथ इसका लिंक है वगैरह वगैरह डिस्कस करता है उसके अलावा इंडिविजुल यूज़र्स उनकी चॉइसिस के बारे में तो ये आल्टरनेटिव मॉडल जो है वो यूज़ करके जो है वो आप इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं अब इसके एडवांटेज़ क्या हैं ये ऑफ़र करता है आप प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ इंग्लिश डो नॉट सजेस्ट सुपीरियरिटी ऑफ वन वेराइटी ऑफ अदर प्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के हैविंग मल्टीकल्चरल आइडेंटिटीज वन बाय वन बताती हूं आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इनमें अच्छा जी इन एडवांटेजेस के बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोवाइड करता है ये जो आल्टरनेटिव मॉडल्स है ना ये एक डाइवर्स वे एक मुख्तलिफ परस्पेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है और उसके अलावा ये अवॉइड करता है ग्रेस करता है एक वराइटी की सुपीरियरिटी यानी कि बाकी वराइटीज़ को भी कंसिडर करता है और इसका मानना यह है कि उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन इंग्लिश जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है ब्रिटिश इंग्लिश ठीक है यानी कि ये अफ्रीकन इंग्लिश को भी इतना ही ज़्यादा वैलिड और वैल्यूएबल जो है वो कंसिडर करता है उसके अलावा लास्ट में प्रेजेंट इंग्लिश एज हैविंग मल्टी आइडेंटिटीज और ये तस्लीम करते हैं इंग्लिश की मल्टी आइडेंटिटीज को फॉर एग्जांपल इसमें सिंगापोरियन इंग्लिश आ जाता है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आ जाता है तो डिफरेंट वराइटीज ऑफ इंग्लिश जो है उन सबको इक्वली कंसिडर करता है तो ये आल्टरनेटिव मॉडल्स था उसके अलावा शॉर्ट कमिंग्स कुछ मिस थी ठीक है जैसे कि स्टैंडर्ड के तौर पर कंसिडर करता है एक ही वराइटी को फॉर एक्जाम्पल uh, हम इंग्लिश लैंग्वेज को रख सकते हैं ठीक है उसको स्पीरियर कंसिडर करता है और उसके यूज़र्स उसके स्पीकर जो हैं सॉरी यूज़र्स नहीं उसके जो स्पीकर हैं उनके लिए भी ये एक गुड मॉडल जो है वो प्रजेंट करता है तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग्स थी ठीक है उसके अलावा यहाँ पर कुछ हमने मॉडल्स पढ़े हैं आई होप सो कि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा ठीक है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिफ्टी सिक्स जिसमें हमने सेवन मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश पढ़ने हैं ट्रैवल मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश भी बहुत सिंपल्स है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें क्या बताया गया कि ये एक ओल्डेस्ट मॉडल है ठीक है और ये एग्ज़ामिन करता है शो द रिलेशनशिप ऑफ़ डिफरेंट वरायटीज ऑफ इंग्लिश विद ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश इसका क्या मतलब है कि एग्जामिन करता है कि कैसे डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो है वो रिलेट करती हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के साथ ठीक है तो ये आपने इसका मेन कॉन्सेप्ट इसका जनरल सा कॉन्प्ट है वो याद रखना है ठीक है उसके अलावा मजीद इसमें क्या हाईलाइट किया गया बताया गया कि प्रोवाइड हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इंग्लिश यानी कि ये मॉडल जो है वो प्रोवाइड करता है हमें हिस्टोरिकल व्यू कि कैसे इंग्लिश बनती है ग्लोबल लैंग्वेज ठीक है उसके अलावा ये प्रेजेंट करता है कि ऑल वराइटीज़ एज है ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड एज देयर औरिजन ठीक है इसके अलावा ये क्या करता है कि तमाम वराइटीज़ उनके स्टैंडर्ड के साथ के आया कि वो ब्रिटिश है अमेरिकन है कहाँ से ओरिजिनेट हुई है उन सब के बारे में बताता है ठीक है इसके मज़ीद प्लस पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं आप लोगों ने इन्हें भी याद रखना है ठीक है उसके अलावा उस मॉडल में बताया गया कि अमेरिकन इंग्लिश अकाउंट्स फॉर कनाडा, द यूएस, एस रिको एंड द फिलपाइंस इसमें क्या है अब यहाँ उस मॉडल के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि अमेरिकन मॉडल जो है वो कनेक्टेड है यू के साथ कनाडा के साथ पोर्टो रिको के साथ और फिल्पाइंस के साथ ठीक है जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी मजीद वरायटीज़ बाकी बचती हैं ठीक है वो हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश के साथ कनेक्टेड है ठीक है उसके अलावा वीकनेस ऑफ स्ट्रेवन मॉडल आ जाता है वीकनेस में क्या बताया गया कि ओवरलुक करता है नज़रअंदाज़ करता है द वायटीज़ दैट डिवेलप थ्रू कॉन्टैक्ट विद द लोकल वर्नैक्यूलर्स इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि ये इग्नोर करता है इंग्लिश वराइटीज़ को जो डिवेलप्ड हुई हैं लोकल लैंग्वेजेज और कल्चर से ठीक है जैसे कि चाइना में जो बोली जाती है उसका ना तो ब्रिटिश इंग्लिश के साथ कोई लिंक है ना ही उसका अमेरिकन इंग्लिश के साथ कोई लिंक है ठीक है तो ये बेसिकली इन मॉडल्स को जो है वो क्या करता है इग्नोर कर देता है ठीक है तो ये सेकेंड पॉइंट में वही बात उन्होंने दोबारा बताई है कि डिवेलप विदाउट एनी डायरेक्ट एसोसिएशन वो वराइटी जो ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड के बग़ैर जो है उसके साथ एसोसिएट हुए बगैर जो है वो वजूद में आई होती है उनको क्या करता है इग्नोर करता है उनको ओवरलुक करता है नज़रअंदाज करता है तो ये बेसिकली हमारा आ, स्ट्रेवन मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशज़ था मेन पॉइंट इन कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए कि ये बताता है डिफरेंट वराइटीज़ का लिंक ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के साथ और वो वराइटीज़ में अमेरिकन इंग्लिश के साथ कौन कौन सी वरायटीज़ आ जा जाती हैं ब्रिटिश के साथ कौन कौन सी वराइटीज़ आ जा जाती हैं और उसके अलावा किस पॉइंट को इग्नोर करता है जस्ट इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी जो है वो लिखना मुश्किल नहीं होगा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिफ्टी सेवन इस वाले लेक्चर में हम पहले तीन टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अगले तीन टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स हैं वो थोड़े लेंथी हैं तो इस वाले लेक्चर में अगर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं इसमें पहले तीन कवर करूँगी ठीक है अच्छा जी अब हमारे पास हमारा टॉपिक फिफ्टी सेवन आ जाता है जिसमें हमने मखारथर सर्कल ऑफ़ वर्ल्ड इंग्लिश पढ़ना है इस वाले टॉपिक में आपने ज़रा गौर से सुनना है इसमें हमने मेघारतर व्हील मॉडल पढ़ना है ठीक है उस व्हील पर उसने डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो है वो लिखी हैं ठीक है डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो है वो रखे हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया गया है ठीक है मैं आप लोगों को ईजी वर्ड्स में बताऊँगी इनशाला आप लोगों को समझ आ जाएगी और उसके अलावा लेटर मॉडल वर बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बेस पर जो मजीद मॉडल्स आगे बताए गए थे उनमें हमारे पास एक तो मेकारतर मॉडल है दूसरा गोल्ड मॉडल है और तीसरा कचरू मॉडल है अब आगे क्या बताया गया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल्स जो है या व्हील मॉडल जो है उसमें कॉन्सेंट्रिक वो रिफ्लेक्ट करता है द क्लाइन ऑफ इंटेलिबिलिटी दैट ऑल वराइटीज ऑफ इंग्लिश नेटिव एंड नॉन नेटिव डेमोस्ट्रीट ये लाइन क्या बताती है कि ये शो करता है कि कैसे डिफरेंट वराइटीज ऑफ इंग्लिश दोनों नेटिव और नॉन नेटिव जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं ठीक है, है? या उसके अलावा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिक्रीज द म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द वराइटी अब यहां पर एक वर्ड सेंटर यूज हुआ है अब उन्होंने कहा है कि सेंटर से अगर किसी वरायटी का डिस्टेंस है तो तो वो वैरायटी लेस म्यूचुअल इंटेलिजिबल होगी यानी कि आप कह सकते हैं कि कम काबिल फ़हम होगी या फिर कम समझी जाने वाली वैरायटी होगी अब सेंटर का क्या मतलब है मैं आप लोगों के एक एग्जांपल से बताती हूँ लेट्स से कि हमारे पास तीन डिफरेंट वैरायटीज हैं जिनमें हमारे पास अमेरिकन ब्रिटिश और आस्ट्रेलियन इंग्लिश है ठीक है आप तीन वराइटीज़ को रख लें एक अमेरिकन इंग्लिश है दूसरी ब्रिटिश इंग्लिश है और तीसरी आस्ट्रेलियन इंग्लिश है अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल में सेंटर जो वर्ड है वो टिपिकली रिप्रेजेंट करता है एक वैरायटी को जो कि हाईली इंटेलिजिबल हो ठीक है अदर वैरायटीज ऑफ इंग्लिश के स्पीकर्स के लिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्पीकर्स जो हैं वो इसको इजीली समझ सकते हैं या फिर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के स्पीकर्स जो हैं वो इजीली इस लैंग्वेज को इस ब्रिटिश इंग्लिश को समझ सकते हैं ठीक है तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में अज्यूम कर सकते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो सेंटर पर है ब्रिटिश इंग्लिश इस तरह से क्या हुई कि वो ईजीली अंडरस्टूड है अमेरिकन uh, इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के स्पीकर्स के लिए ठीक है सब जो है वो इस लैंग्वेज में इजीली एफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं इस वजह से हम ब्रिटिश इंग्लिश को हाईली इंटेलिजिबल समझेंगे तो इस लिहाज से सेंटर जो हुआ वो शो करेगा ब्रिटिश इंग्लिश को ठीक है तो उसके करीब जितने भी ममालिक हैं ठीक है वो उसके पास जो होंगे वो उसी के साथ उसका जरा लिंक होगा उसका थोड़ा सा तल्लुक बना होगा अब यहाँ बताया गया है कि अगर हम अमेरिकन इंग्लिश को सेंटर से दूर रखेंगे यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश से दूर रखेंगे तो इसका मतलब है कि अमेरिकन इंग्लिश अब लेस इंटेलिजिबल है ठीक है यानी कि कम समझी जाने वाली लैंग्वेज बन गई है ठीक है ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के मुकाबले में ठीक है मगर अभी भी कुछ हद तक जो है वो समझी जा सकती है मगर ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश इंग्लिश के तलुक जितना इसका मज़बूत तल्लुक नहीं है ठीक है तो ये क्या हो गई ये लेस इंटेलिजबल हो गई है तो ये पॉइंट बेसिकली ये बता रहा है ठीक है अब आगे जहाँ भी सेंटर यूज होगा आपने ये एक्जाम्पल कंसिडर कर लेनी है ठीक है अब मज़दीद क्या बता रहा है कि द व्हील इज़ डिवाइडेड इन टू जियोग्राफिकल सेक्शन अब वो बता रहे हैं कि मेकार मॉडल जो है या मेकार सर्कल मॉडल या व्हील मॉडल जो है वो डिवाइड करते हैं इन वराइटीज़ को जियोग्राफिकल सेक्शन में लाइक अ मैप ठीक है मैप में लोकेशन के साथ हर चीज़ बताई जाती है उसके अलावा द वायटीज़ बिकम मोर लोकलाइज द फर्दर दे आर फ्रॉम द सेंटर ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वरायटी दूर है ठीक है तो वो ज़्यादा लोकलाइज्ड कंसिडर की जाएगी ठीक है वो ज़्यादा लोकलाइज्ड बन जाएगी उसके अलावा वराइटीज़ आर कनेक्टेड टू द प्रीवियस जियोग्राफिकल सिचुएशन वरायटी दे आर कनेक्टेड लीनरली लाइक स्पोक बैक टू देंटर उसके अलावा इस पॉइंट में बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि हर वरायटी जो है वो एक तरह से डायरेक्टली लिंक है टू देंटर जितने भी मकारीर मॉडल में वराइटीज़ आती हैं बेसिकली वो डायरेक्टली लिंक है इस वरायटी के साथ उसके अलावा लास्ट पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं कि द लाइन्स सेपरेटिंग वराइटी सेगमेंट आर नॉट परमीएबल वराइटीज़ में नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल अच्छा जी इस लाइन में अगर सिंपल हम अगर हम सिम्पल इस लाइन को देखें तो हमें समझ नहीं आती बट इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ किस्में जो है वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ सकती ठीक है मिसाल के तौर पर अल्फाज तलफ़ या ग्रामर जो है उसमें फ़र्क की वजह से दूर दराज के इलाकों की दो इकसाम जो है वो एक दूसरे को समझने में उनको दुश्वारी हो सकती है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल उनके प्रोनांसिएशन या उनका एक्सेंट उनकी वोकेबलरी की वजह से ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो इसमें है इसमें बताई गई हैं छोटा सा टॉपिक है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका लेंथ ही था आई सो so, कि आप लोगों को समझ आई होगी अब आगे जितने भी हम नेक्स्ट थ्री टॉपिक्स जो वो समझेंगे उनमें सेंटर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो आप लोगों ने सेंटर वर्ड याद रखने हैं कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कॉन्सेप्ट याद रखें उसी के अकॉर्डिंग आप सिंपल सी वो यूज़ करके अपना कॉन्सेप्ट जो है इन न्यू ऑन वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं न्यू ऑन वर्ड्स लिख सकते हैं तो बेसिक चीज़ यही है कि कॉन्सेप्ट लें बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके साथ शेयर करें जिन तक की वीडियो नहीं पहुँची लाइक किया करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके अगर कोई बुक आप लोगों को लगता है कि मैंने कवर नहीं की और मैं मुझे कवर करनी चाहिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़